माय कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर सरस्वती चंद्र का कैरेक्टर है। मैंने ऐसा कैरेक्टर पहले नहीं प्ले किया, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, गुस्सा है मगर अंदर दबा हुआ है, किसी से अपनी बात खुल के नहीं करता। जो उसके दिमाग में है वो दिमाग में ही रखता है। और अगर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है सनी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी से बात करनी होती है तो उससे भी बात नहीं कर पाता, मगर सनी उसे समझ जाता है कि ये अगर जब दुखी है या गुस्सा है, पेरेंट्स से इतने क्लोज नहीं हैं। मॉम की जो रियल मॉम है सरस्वती की, उनकी डेथ हो चुकी है, तो बेसिकली मॉम के बहुत क्लोज था। और डैड और मोनिका का जो कैरेक्टर है उनसे इतना क्लोज नहीं है ये। सो नटशेल में, जैसे मैंने आपको थोड़ी चीज़ें उसके बारे में बताई दी, तो वैसा है ये सरस्वती चंद्र। एंड ऑल्सो वॉन्ट टू नो लाइक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संजय सर की, लाइक उनका सपना है, सो लाइक आई प्रिपेयर। देखिए, मैं जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ एज एन एक्टर। मैं सोचना शुरू कर दूंगा जिस दिन मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, ये सोचता रहूँगा अरे यार संजय लीला भंसाली जी का शो है उसको कैसे करना है। नहीं, मैं एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर बहुत रिलैक्स्ड आदमी, बहुत आराम से काम करना जानता हूँ और सीखा है मैंने। डेफिनेटली अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं हम लोग, और जितना पॉसिबली, फिजिकली पॉसिबली और मेंटली पॉसिबली उसको सामने पोर्ट्रे कर पाएँ वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है पर वो वहीं तक है। मेरा काम है जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करना है, उसको कैसे जस्टिफाई करना है, वो मेरा काम है जो मैं कोशिश करके कर लेता हूँ। थोड़ा आई है ना, देखिए अब वही मैंने जब मुझे ये बताया गया कि आपको करना है, और जब चीज़ें फाइनल हुई हमारी तो मुझे बोला गया कि मैंने उनसे पूछा भी कि सरस्वती चंद्र, यू वांट मी टू रीड द नॉवल एंड फॉलो इट, दे सेड वील द एथिक, द वैल्यूज विल बी ऑफ सरस्वती चंद्र, वी डोंट हैव टू डिपिक्ट द सेम कैरेक्टर, मतलब हमें वही सेम कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं करना। तो अगर एज एन एक्टर मैं उसमें जाता हूँ तो फिर मैं हमेशा उसमें फंसा रह जाऊँगा कि यार वो एक्टर ने ऐसा किया था, उसने उस फ्रेम में ऐसा बोला था, उस नॉवल में उसके बारे में ये लिखा था, तो मेरी ओरिजिनैलिटी नहीं रहेगी। हाँ, अगर मैं उसे पूरा डिपिक्ट कर रहा होता कि मुझे उसकी लाइफ ही प्ले करनी है एज एन एक्टर, तो मैं कहता कि मैं उसको घोल के पी जाता, कि मैं दिन रात उसको 10 बारी पढ़ता नॉवल को, 20 बारी फिल्में देखता, देन एज एन एक्टर इट मेक सेंस फॉर मी कि मुझे फ्रेम बाय फ्रेम उसकी चाल कॉपी करनी है, उसका अंदाज कॉपी करना है, उसके बात करने का तरीका कॉपी करना है। बट नाउ दैट प्रेशर इज़ नॉट देयर ऑन मी, सो एज एन एक्टर दे गिवन मी माई मटीरियल टू प्ले अराउंड विद, कि आप ऐसे हैं एज अ पर्सन, आपको इस लाइन पे खेलना, बाकी काम करना, उस चीज़ को आगे बढ़ाना मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। ओके, लास्टली व्हाट यू लाइक टू से टू द व्यूअर्स, व्हाई शुड दे वॉच इट? व्हाट एवर लिटिल आई वर्क्ड ऑन टेलीविजन, इट्स बिग बोलना थोड़ा वो हो जाएगा कि हाँ हम फिल्म बना रहे हैं और फिल्म जैसा टीवी है इसलिए आप देखिए। ऐसी लव स्टोरी, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लव स्टोरी ये नहीं आई हमारे यहाँ पे। सब बहुत डायरेक्ट है कि आई लव यू, यू लव मी, हो गई शादी, हो गया सब। मोस्टली स्पून फीड करते हैं हम लोगों को, ऑडियंसेस को, कि हाँ हम हर चीज़ को आपको ये यहाँ पड़ा है, वो पड़ा वहीं पे है मगर फिर भी बोलेंगे ये यहाँ पड़ा है, मगर ये ऐसा नहीं है। मतलब इट्स अबाउट द फील, एक फील, एक टच। एज एन एक्टर इफ़ यू लव एक्टिंग विच आई डू, आप इतना मज़ा लेते हैं इन चीज़ों में, वो इन छोटी छोटी बारीकियों में, वो इसके बारे में, मतलब कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टिपिकल नहीं बने कि हाँ यार ये लड़की देखी आए लुक दिया और काम हो गया, बट एट द सेम टाइम इट्स जस्ट दैट यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन यू लर्निंग थिंग्स आउट ऑफ इट। सो मैं व्यूअर्स को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अभी के टाइम कि मेहनत वही सेम लाइन हो जाती है, देखिए मेहनत सब करते हैं, काम सब पूरी कोशिश से करते हैं कि अच्छा करें, कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसका काम कोई ना देखे, तो हमने भी उतनी ही मेहनत की है, हमने भी उतनी ही जान डाली है इस काम में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे देखें, अगर सजेशंस हैं आपके तो सराहों पर, आपको लगता है कि हमें और बेटर होना चाहिए हम वो भी होंगे, मगर एक बार सिर्फ एफर्ट के लिए देख लीजिए, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।